बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। पीसीएस सर्विसेज की न्यू वीडियो में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पाकिस्तान करंट अफेयर अगस्त 2021। तो फिर शुरू करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले है पायलट ऑफिसर राशिद मिनहास 50th एनिवर्सरी वॉज सेलिब्रेटेड ऑन। पायलट ऑफिसर राशिद मिनहास की 50वीं बरसी कब मनाई गई? तो ये 20 अगस्त 2021 को मनाई गई। फौज की मीडिया विंग इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन ISPR ने जुम्मा को शहीद पायलट ऑफिसर राशिद मिनहास निशानी हैदर की 50वीं बरसी के मौके पर कुर्बानी को याद किया। DGISPR ने एक ट्विटर में पैगाम में कहा, 50वीं शहादत की बरसी पर हम कौमी हीरो पायलट ऑफिसर राशिद मिनहास शहीद निशानी हैदर की अकीदत, बहादुरी और अजीम कुर्बानी के साथ याद करते हैं। हु इज द करंट पाकिस्तानी हाई कमिश्नर टू ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया में मौजूदा पाकिस्तानी हाई कमिश्नर कौन है? तो इसका नाम है जायद हफीज। हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान ICMA? इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान ICMA के मौजूदा सदर कौन है? तो इसका नाम है मिस्टर जियाउल मुस्तफ़ा। देश इज टू बी द फर्स्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान टू लॉन्च एयर एम्बुलेंस सर्विस? कौन सी सूबे ने सबसे पहले एयर एम्बुलेंस सर्विसेज शुरू करने का पहला तजिया दिया? तो इसका नाम है पंजाब सूबे ने किया। वजीर आला उस्मान बुज़दार ने 16 अगस्त 2021 को एयर एम्बुलेंस सर्विसेज शुरू करने का ऐलान करते हुए कहा कि पंजाब सर्विस शुरू करने वाला पहला सूबा होगा। Recently, who has been appointed as the foreign office spokesperson? हाल ही में किसको दफ्तर खारजा का तर्जुमान मुकर्रर किया गया? तो इसका नाम है आसिम इफ्तिखार। सफीर आसिम इफ्तिखार अहमद ने जाहिद हफीज चौधरी की जगह वजारत खारजा का तर्जुमान मुकर्रर किया गया। 20 अगस्त 2021 को वो इसी नई तफवीज से कबल थाईलैंड में पाकिस्तान की सफीर की हैसियत से खिदमात अंजाम दे रही थी। द फर्स्ट एडिशन ऑफ द कश्मीर प्रीमियर लीग वॉज हेल्ड फ्रॉम? कश्मीर प्रीमियर लीग का पहला एडिशन कब मुनक्किद हुआ? तो ये 6-17 अगस्त को मुनक्किद हुआ। लीग का पहला एडिशन 6-17 अगस्त 2021 तक मुजफ्फराबाद क्रिकेट स्टेडियम में मुनक्किद हुआ। लीग 6 फ्रेंचाइज पर मुश्तमिल था। 5 टीमें आज़ाद कश्मीर की 5 बड़ी शहरों की नुमाइंदगी कर रही थी, जबकि एक टीम बिरूइन मल्क मुकीम कश्मीरों की नुमाइंदगी कर रही थी। विच टीम क्लिंच द इनॉगरल कश्मीर प्रीमियर लीग KPL ट्रॉफी? कश्मीर प्रीमियर लीग KPL ट्रॉफी किस टीम ने जीती? तो ये रावलकोट हॉक्स ने जीती। कश्मीर प्रीमियर लीग KPL 2021 का पहला एडिशन बलाखिर ख़त्म हो गया। शाहिद अफरीदी की क्यादत में रावलकोट हॉक्स को चैम्पियन का ताज पहनाया गया। टीम ने मुजफ्फराबाद टाइगर्स को 7 रन से शिकस्त देकर 17 अगस्त 2021 को मुजफ्फराबाद क्रिकेट स्टेडियम में फाइनल की KPL जीत लिया। हु बिकम्स द फर्स्ट पाकिस्तानी वुमेन टू सर्व एज UN पुलिस कमिश्नर इन सूडान? सूडान में अक्वामे मुत्तहिदा की पुलिस कमिश्नर के तौर पर खिदमात अंजाम देने वाली पहली पाकिस्तानी खातून कौन है? तो इसका नाम है हेलिना सईद। पाकिस्तानी पुलिस के एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल AIG हलीना इकबाल सईद को सूडान के शहर खरतूम में अक्वामे मुत्तहिदा की पुलिस कमिश्नर के ओहदे पर पहले पाकिस्तानी खातून मुकर्रर किया गया है। ये काबिल जिक्र है कि इसको ये एजाज भी हासिल है कि ये क्वेटा बलूचिस्तान से इस ओहदे के लिए पहले IG बन गई। हलीना पुलिस सर्विसेज अब पाकिस्तान के आला तरीन ओहदे के खातून अफिसर भी है। Which date in August is observed as World Mosquito Day? अगस्त की कौन सी तारीख को मच्छरों के आलमी दिन के तौर पर मनाया जाता है? तो ये 20 अगस्त को। मलेरिया की वजूहात और इससे कैसे बचा जा सकता है, इसके बारे में आगाही पैदा करने के लिए सालाना 20 अगस्त को मच्छरों का आलमी दिन मनाया जाता है। हर साल मच्छरों के आलमी दिन के मौका पर मच्छरों से पैदा होने वाली बीमारियों के बारे में आगाही पैदा की जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Please subscribe my channel PCS Services for latest national and international current affairs.